फ्रेंड्स, बंद हो चुकी जेट एयरवेज, जिसको लेकर लोगों को अभी भी भरोसा है कि जेट एयरवेज अभी भी रिवाइव हो जाएगी और फिर से अपनी उड़ान भरने लगेगी। आपको बता दें कि हिंदुजा ग्रुप ने जेट एयरवेज में अपनी बोली सबमिट करने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया था, जिसके बाद से ही इसके शेयर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी और जेट एयरवेज का शेयर लगातार अपने अपर सर्किट को ब्रेक करते हुए नए नए रिकॉर्ड बना रहा था। आपको बता दें कि जेट एयरवेज का शेयर 15 जनवरी को 49.40 रुपए तक जा पहुंचा था। उसके बाद जब ये न्यूज सामने आई कि हिंदुजा ग्रुप जेट एयरवेज में अपनी बोली सबमिट नहीं कर रहा है, तो उसके बाद से ही जेट एयरवेज के शेयर में लगातार गिरावट आने लगी और आज भी इसका शेयर गिरकर 42.45 रुपए तक आ गया है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सिनर्जी ग्रुप अभी भी जेट एयरवेज को लेकर इंटरेस्टेड है और उसने दोबारा जेट एयरवेज को लेकर 5 जनवरी को अपनी बोली सबमिट कर दी थी। इसके अलावा दिल्ली बेस्ड इन्वेस्टमेंट फंड भी अपनी बोली सबमिट करके बैठी हुई है। फ्रेंड्स, सबमिट किए गए बोलियों का फाइनल डिसीजन फरवरी महीने के पहले वीक में लिया जाएगा और उसके बाद जेट एयरवेज के फाइनल भविष्य का डिसीजन लिया जाएगा कि जेट एयरवेज को रिवाइव करना है या फिर उसको लिक्विडेट कर देना है। फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक बात और बता दें कि यदि सिनर्जी ग्रुप को जेट एयरवेज को खरीदने का मौका मिलता भी है तो उसको एक इंडियन पार्टनर्स की जरूरत होगी, क्योंकि उसके साथ मिलकर ही सिनर्जी ग्रुप जेट एयरवेज को उड़ा सकता है, क्योंकि सिनर्जी ग्रुप केवल 49% तक के लिए ही अपनी बोली सबमिट कर सकता है, क्योंकि फेमा रूल के अनुसार सिनर्जी ग्रुप 49% से ज्यादा की बोली जेट एयरवेज के लिए सबमिट नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, यहां पर हिंदुजा ग्रुप के फिर से पीछे हटने के बाद जेट एयरवेज के उड़ने की संभावनाओं को थोड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन उम्मीदें अभी भी बरकरार है कि शायद सिनर्जी ग्रुप और दिल्ली बेस्ड फर्म उन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों मिलकर जेट एयरवेज को रिवाइव कर लें। फ्रेंड्स, जो भी होगा इसका फाइनल डिसीजन फरवरी महीने में ले लिया जाएगा। तो इसके आगे आने वाले लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए